हम जहां से तैयारी हमारी थी वो हमारे महागठबंधन में दूसरे दल की सीट चली गई है, एक कल की मैसेज है। तो इसीलिए लालू जी के परिवार चाहे महागठबंधन के परिवार के लोग जो भी हैं वो निर्णय करेंगे कि हमें कहां से चुनाव लड़ाएंगे, कि हर क्षेत्र में हमारी उतनी ही पकड़ है, कोई एक विशेष क्षेत्र में नहीं है। जब हमको जहां से चुनाव लड़ाना लोग चाहेंगे हम वहां से महागठबंधन की तरफ चुनाव लड़ लेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है, अब नामों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, प्रथम चरण का नॉमिनेशन हो गया है, लेकिन देखिए राजद में जो है एक से एक लोग पहुंच रहे हैं और टिकट लेने के लिए अब इसी क्रम में टुन्ना पांडे जो पूर्व MLC है वो भी पहुंच गए हैं 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास और सिवान से ताल ठोक रहे हैं विजय लक्ष्मी के खिलाफ, जो एनडीए प्रत्याशी है जदयू कोटे से जो है विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान से कैंडिडेट बनाया गया है। एक तरफ हिना साहब है, दूसरे तरफ विजय लक्ष्मी कुशवाहा है और तीसरी तरफ जो है टुन्ना पांडे पूर्व MLC ताल ठोक रहे हैं सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास पहुंच गए हैं सीधे। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर टुन्ना पांडे को कहां से टिकट दिया जाता है, टुन्ना पांडे वहां पहुंचे उसके बाद क्या कुछ कह रहे, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए नेता आजकल की माहौल मौसम ही ऐसा है कि नेता लोग अब यहाँ आवास पर क्यों पहुंचता है, बीजेपी कार्यालय चले जाइए, लोजपा कार्यालय चले जाइए, और मानिए श्री लालू जी के आवास पर चले जाइए, RJD कार्यालय चले जाइए, सबको भाई चुनाव लड़ना है, नेता उसी लिए आता है ना सर। उसमें टिकट लेने पहुंचे लालू जी से? नहीं, टिकट के हम हमेशा आते रहते हैं, नेता का क्या काम है सो बताइए, नेता का काम वही है ना, कुछ राजनीतिक बात हो, कुछ व्यवस्था हो, कुछ टिकट हो, जो भी बनता हो। अब एक काम तो होता नहीं है, किसी एक ही काम के लिए आए हुए हैं। बात हुई है जी, बात तो हमसे सकारात्मक होती रहती है, कल भी हुई है, आज हुई है। किस लोकसभा सीट से आप लड़ना चाहते हैं? नहीं देखिए, हम जहां से तैयारी हमारी थी वो हमारे महागठबंधन में दूसरे दल की सीट चली गई है, एक कल की मैसेज है। तो इसीलिए लालू जी के परिवार चाहे महागठबंधन के परिवार के लोग जो भी हैं वो निर्णय करेंगे कि हमें कहां से चुनाव लड़ाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड। लड़ने के लिए आप तैयार? नहीं, तो हमारी तो ऐसी मनसा रहती है, ऐसी हमारी पर्सनालिटी कहिए या व्यवहारिकता कहिए या काम करने की क्षमता कहिए कि हर क्षेत्र में हमारी उतनी ही पकड़ है, कोई एक विशेष क्षेत्र में नहीं है। जब हमको जहां से चुनाव लड़ाना लोग चाहेंगे हम वहां से महागठबंधन की तरफ चुनाव लड़ लेंगे। तैयारी बताया ना कि जहां से तैयारी किए थे वो सीट चला गया महागठबंधन के किसी दूसरे साथी दल में चला गया। दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन क्या सोचते? नहीं, दूसरा ऑप्शन कुछ है नहीं है, ऑप्शन तो महागठबंधन जहां खड़ा करेगी। एक तो हम सेना है, राजनीतिक सेना है, अब चीन के बॉर्डर पर खड़ा करिए या पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा करिए, कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा करिए, जहां खड़ा करिए, सेना थोड़ी कहेगा कि हम इसी बॉर्डर पर लड़ाई करेंगे, हमें जिस बॉर्डर पर खड़ा करिए यानी जिस क्षेत्र में आप हमें भेजेंगे उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने में टुन्ना पांडे सक्षम है। महागठबंधन ने खड़ा कर दी लेकिन NDA अभी तक नहीं की है, ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सर, NDA से लड़ने की? नहीं सर, NDA की बात NDA के लोग बताएंगे, NDA की बात हम तो नहीं बता पाएंगे। अभी उसके कोई नेता आकर कह देंगे कि भाई वो हमारे दल के विषय में वो कौन सा बयान देने वाले कौन व्यक्ति है। हकीकत बात है हम महागठबंधन में है, महागठबंधन के विषय में आप जितना पूछेंगे हम जितना हमको जानकारी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। भाजपा के प्रति प्रेम कम हुआ कि नहीं? देखिए हमारा प्रेम किसी नेता के प्रति किसी पार्टी के प्रति ना कभी कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। हम हर एक आदमी को समान रूप से इज्जत और सम्मान देते हैं, हमारे लिए राजनीति में ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, हमसे समान रूप से ही प्यार रहता है हर दल से। किसी दल के नेता से कहिए आज चलकर हमारा संबंध उनसे पूछिए, बहुत मधुर हमारा संबंध रहता है और हम मधुर संबंध बनाना की कोशिश करते हैं हमेशा। बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं 40-40 जो बिहार की लोकसभा सीट है उस पर विजयी NDA की होगी। देखिए अब जो भी नेता बोल रहे हैं उनको बड़बोलापन कहा जाएगा। नेता लोग 4 साल बोलते हैं, 4.5 साल बोलते हैं, अब जनता की बोलने की समय आ गई है। जनता क्या बोलेगी 4 जून को पता लगेगा। तो मुंह से बोलने के बाद क्या लगता है, सीट तो 40 कह रहे हैं, हमको लगता है उनको 50-60 भी कह देना चाहिए, 10 सीट और कहीं से मांग लाते हो, ये सब भाषण नेता को नहीं देना चाहिए। लालू यादव से सकारात्मक बातचीत हुई है, जहाँ से आप तैयारी कर रहे थे वो सीट तो गई, दूसरी सीट की उम्मीद? नहीं नहीं, क्यों गई, महागठबंधन में ही तो है सर, सीट गई कहाँ, वो नहीं हमसे क्यों गई, हम महागठबंधन के ही प्रत्याशी तो है, महागठबंधन में ही सीट है। देखिए कुछ बहुत बात ऐसी होती है कि जो अंदर खाने की बात बाहर मीडिया में नहीं बताया जाता है तो हम उसको नहीं उजागर करना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि महागठबंधन हमें जहां से चुनाव लड़ाएगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ेंगे सर। तो आपने सुना टुन्ना पांडे का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए पार्टी जहां से निर्णय लेगी हम वहां से चुनाव लड़ेंगे, हमारी तैयारी महाराजगंज से थी लेकिन अब वह जो है कांग्रेस कोटे में चली गई है, लेकिन अब हमें जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, महाराजगंज और सिवान जो है आसपास से पड़ता है, तो ऐसे में सिवान से ताल ठोक रहे हैं और कह रहे हैं पार्टी हमें जो है टिकट दे दे तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भी हम हरा सकते हैं।
कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।